अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलीम खालिक, क्रिकेट कॉर्नर में आज मेरे साथ गेस्ट हैं फैसल इकबाल। पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है, 26 टेस्ट गालिबन उन्होंने खेले और अब कोचिंग से वाबस्ता हुए हैं। ये दो तीन उन्होंने असाइनमेंट्स लिए और उस हवाले से उनसे बात करेंगे। और फैसल इकबाल के बारे में जानना हो तो इमामुल हक की जो मिसाल है वो सामने रखें। जिस तरह उनको आजकल कहते हैं कि जी उनके जो चचा हैं इंजमामुल हक वो लेकर आए, फैसल के साथ ये कहा जाता था कि इनके जो मामू हैं जावेद मियांदाद उनकी वजह से एक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इसी हवाले से। सलामुअलैकुम सलीम भाई। फैसल, सारी ज़िंदगी ये टैग लगा रहा आपके ऊपर कि जी मामू हैं वो आपको खिलाते रहे, तो कैसा महसूस होता था आपको? हमेशा दुख तो बहुत होता होगा। सर, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तरफ तो ये होता है कि आप अपने आप को मोटिवेट करके आगे लाते हैं, अपने आप को बेहतर प्लेयर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप अफसोस ये फील करते हैं कि आपको नाजायज़ टारगेट किया जाता है आपके रिलेशन की वजह से, जो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। मैंने अब अपने करियर के इस मोड़ पे एक थोड़ा सा एजेंडा भी उठाया है कि मेरे जैसे लड़के या जो भी फैमिली ओरिएंटेड प्लेयर आते हैं उनके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और उस लाइन के इधर और उधर देखना चाहिए कि आया वो उन सारे प्लेयरों की फहरिस्त में खड़े होते हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, या वो उन सारे प्लेयरों की फहरिस्त में खड़े होते हैं जो लड़के सेलेक्ट नहीं होते या जिनमें टैलेंट नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हमें एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। हर उस फैमिली ओरिएंटेड प्लेयर का घर के अंदर वही ख्वाब होता है जो एक दूसरे लड़के के बच्चे का उसके घर के अंदर होता है कि वो भी पाकिस्तान की कैप अपने सर पे पहने। और आप खुद सोचें कि अगर आप उस फील्ड से बिलोंग करते हो और आप 24 घंटे अपने घर में वो चीज़ देख रहे हो तो कितनी ख्वाहिशात आपकी होती होंगी अपनी उस नज़रिए से भी। अब भी मगर ये लेवल आपके साथ लगा हुआ है कि जी मामू के कहने पर फैसल को कराची किंग ने रख लिया, मामू के कहने पर फैसल को T10 में रख लिया, मामू के कहने पर फैसल को UAE ने रख लिया, तो भी अभी भी ये चीज़ तो आपसे पीछे नहीं। सर, मेरे ख्याल में अब तो जो कह भी रहा होगा ना वो खुद भी कहते हुए भी हंस रहा होगा इसी तरह जैसे अभी आप हंस रहे हैं कि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना लोगों का चेहरा भी बता देती हैं। जितने भी दुनिया में आपके ऊपर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी परफॉर्मेंसेज जो है वो सब कुछ खुद ब खुद बता देती हैं। तो अब मीडिया और ये सोशल मीडिया और चीज़ें इतनी शार्प हो गई हैं कि आप सेकंड में लोगों के अंदर के जज्बात खुद ब खुद समझ लेते हैं कि आया ये आपके खैर ख्वाह हैं या ये आपको टारगेटेड निशाना बनाते हैं। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों के जो नकाब उतरे देखे इस तरीके से, और आपको वक्त के साथ लोगों का पता चलता है कि कौन आपके खैर ख्वाह हैं और कौन एक प्रोपेगेंडे के तहत उनके शोल्डर इस्तेमाल कराया गया अपने मकासद हासिल करने के लिए। तो मेरे ख्याल में सिस्टम में ये चीज़ गलत होती है, गलत थी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले वक्तों में जो है ना ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने अब देखें, मैं अक्सर फॉर्मर क्रिकेटर से बात करता हूँ, हॉकी प्लेयर के फॉर्मर प्लेयरों से बात करता हूँ, स्कॉश प्लेयरों के उनसे बात करता हूँ कि आप लोगों ने अपने फैमिली में बच्चों को क्यों नहीं डाला, क्यों? उनकी भी वही ख्वाहिशात होंगी। 99% ने मुझे यही बोला है कि हमने इसी वजह से नहीं डाला है, हमें पता था कि उनके साथ जो है ज़्यादती की जाएंगी, हमारे बदले लिए जाएंगे। तो जब एक वर्ड ऑफ माउथ हमारे सिस्टम में, हम सबको पता है, जर्नलिस्टों को पता है, एंकर पर्सन को पता है इस बात का, तो उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए जो है ना लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि कौन आया लाइन के इस पार वाला प्लेयर है और कौन लाइन के इस पार वाला प्लेयर है। यही नेशनल स्टेडियम है जहां आपने सेंचुरी बनाई थी इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन अगर आपका टेस्ट करियर का जो रिकॉर्ड देखा जाए, 26 टेस्ट में 26 की आपकी एवरेज है और एक ही सेंचुरी है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करते जो आपकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस रही थी, क्या इसकी वजह आपका? सर, इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, एनालिस्ट लोगों ने तो इसको वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल वजह क्या है। वजह ये रही है कि मेरा डेब्यू एक रिप्लेसमेंट प्लेयर हुआ और रिप्लेसमेंट प्लेयर से लेकर एंड तक हमारा मिडिल ऑर्डर इतना टाइट रहा कि मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है ना मुझे स्लॉट में जगह बनाने का मौका नहीं मिल सका। यानी कि आप 50 रन बनाएं, 100 रन बनाएं, यही अभी जिस 100 का आपने जिक्र किया, उसके बाद 5 वन डेज थे, मैं 5ों में 12 मैन था अगर आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए। तो कोई ऐसा हिस्ट्री में आपको प्लेयर शायद ही नादिर कोई नजर आएगा जिसने इंडिया के खिलाफ 100 बनाया हो अपने होम ग्राउंड में, होम ग्राउंड के आ गया और उसके फौरन बाद दोबारा बेंच पर पानी पिलाने के लिए बैठ गया हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लेयर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करती हैं, एक प्लेयर को आगे लाने के लिए उसको मोटिवेट करती हैं। मेरे कैरियर में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नेगेटिव एस्पेक्ट पे रही है कि प्लेयर बनाना और आगे ले जाने वाली जो कैटेगरी थी मुझे उससे हटा के उस कैटेगरी में रखा था कि जहाँ प्लेयर नहीं बनने देना या रोकना है या पीछे रखना है। इवन आज भी आप देख लीजिए कि जो जो मेरी अचीवमेंट्स अगर मेरे दूसरे रोल में भी नज़र आ रही हैं, आप देख लीजिए कि उसको हाईलाइट करते हुए जो है मीडिया के अंदर जो है हमारे लोगों की जान निकलती है। तो ये तो अल्लाह भला करे सोशल मीडिया बनाने वाले का कि जो पहले मैं बहुत सालों पहले इस बात का अफसोस होता था कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो अंडर द कारपेट रखी जाती हैं, उनको न्यूज़पेपर में हाईलाइट नहीं किया जाता, हमें मजबूरतन बोलना पड़ता था 100 करने के बाद कि भाई हमारी तस्वीर भी लगा दें, वो अब इस सोशल मीडिया के आने के बाद से ख़त्म हो गई। और वो लोग जो हैं वो अब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए जब वो हमें ख़ुद अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए देखते हैं,
तो वो अब परेशान हो जाते हैं कि अब वो किस तरीके से हमें दबाए, तो यही ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं कि हमें उनके चेहरे जो नज़र आते हैं वो इस तरह आते हैं कि वो दुनिया ज़माने की चीज़ों को तो हाईलाइट कर रहे होते हैं, छोटी से छोटी चीज़ भी हाईलाइट, लेकिन फैसल इकबाल से रिलेटेड कोई भी अच्छी या पॉजिटिव न्यूज़ होगी वो कभी हाईलाइट नहीं करेंगे। हाँ, कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो वो उसको ज़रूर हाईलाइट करेंगे। तो जैसे वो सिस्टम को देख रहे हैं ऐसे मैं भी उन सबको देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आप अपने सिस्टम में अपने मनपसंद लड़कों को या लोगों को बैक करते हैं, इसी तरह आपको इन लड़कों को भी या हम जैसे लड़कों को भी जो है सपोर्ट या बैक करना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा सामने नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो फिर दिलों में चीज़ें फॉरएवर रह जाती हैं। तो फैसल, ऐसी क्या वजह है जैसे आप मीडिया से इतने नाराज़ नज़र आ रहे हैं? आपने ऐसा किसी मीडिया वालों को क्या कर दिया कि सारा मीडिया एक होकर बकौल आपके कि आपके पीछे पड़ गया? हालांकि मैं तो देखा हमेशा आप 50 भी करते थे तो उतने हाईलाइट होती थी और हेडिंग्स लगती थी सर। सर वक्त के साथ साथ एक्चुअली हुआ ये, वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई। यानी एक स्पैन है ना, 20 इयर्स का स्पैन, 25 इयर्स का स्पैन, उसमें आपको अच्छा स्पैन भी नज़र आएगा, फिर आपको बीच में सिचुएशन चेंज होती भी नज़र आएंगी, और फिर लेटर स्टेजेस में आपको और ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएंगी। मतलब आपके सामने आप देख लें, मैं पिछले 2 साल से कोचिंग रोल के अंदर हूँ, UAE की नेशनल टीम का कोच बन के यहीं एमर्जिंग एशिया कप में, एक पाकिस्तानी के लिए ये ऑनर था, सैडली कि हार्डली किसी ने उसको हाईलाइट किया हो। PSL के अंदर आप सबके सामने परफॉर्मेंस थी, हार्डली किसी ने हाईलाइट किया, एक दो लोगों को छोड़ के। हाँ, कुछ लोग हैं जो खैरख्वाह हैं जो उसको हाईलाइट करते हैं, बहुत सारे आप भी उनमें से मौजूद हैं, और बट ज़्यादातर जो मैंने देखा है, चाहे वो हमारे यहाँ का मीडिया हो या दूसरे शहर का मीडिया हो कहीं का हो, मैंने अपने पूरे करियर में यही देखा है कि हाईलाइट करते हुए जो है ना वो एक जान जैसी निकलने वाली सिचुएशन हो जाती है उनकी, कि फैसल ने क्यों ऐसा कर दिया और फैसल को क्यों, और फैसल की 26 की एवरेज गिनवाते हुए तो बड़ी खुशी से वो लगे रहते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करके बताते कि उसके पूरे टीन्योर में वो एक मुतबादल प्लेयर ही रहा है। तो आज भी अगर आप प्लेयर उठा के देख लीजिए, आज प्लेयरों को रेस्ट कराने की बात आती है या बहुत सारी चीज़ों की बात आती है, तो वो प्लेयर जब ब्रेक के बाद खेलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। तो आप सोचिए मैंने कितनी मुश्किल से वो टाइम गुजारा होगा कि जब मुझे 8-8 महीने 12-12 महीने के बाद एक एक मैच एज अ मुतबादल के तौर पर मिलता था, और उसमें भी 50-60, 50-60, 40 मैं कर आके अपने आप को सर्वाइव करता था, प्लस उसी दौरान वनडे लेवल भी लगा दिया गया, लिस्ट ए की परफॉर्मेंस आपका सबके सामने है। तो ये सारा सिनेरियो जो है एक प्लेयर को ख़राब करने और ख़त्म करने के लिए ही बनाया गया। अब क्या लोगों को तकलीफ देखे, मैं इमाम का केस देखता हूँ, ये उससे पहले सुनता था शुएब भाई हमारे जो हैं, कि टारगेट किया जाता था, तो मैंने उस सिनेरियो को बड़ा क्लोजली अब देख लिया कि एक्चुअल मैं टारगेटेड वो हूँ, आप ये कह लीजिए कि एक टारगेटेड पीस हूँ, कि जिसकी पॉजिटिविटी को हर तरीके से कोशिश ये की जाती है कि पूरा ग्रुप उसके साथ मिल के रहे, कि उस चीज़ को हाईलाइट ना कराया जाए, और उस चीज़ को हाईलाइट किया जाए जिसके अंदर कोई 0.001% भी नेगेटिविटी आती है, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ की हो, उसको ऐसे हाईलाइट किया जाए कि जी फैसल इकबाल किसी तरीके से जो है ना सिस्टम से नेस्त तो नाबूद बर्बाद हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मीडिया नहीं, मैं बड़ी शायद ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं, ये रियलिटी है सर, मैं आपके साथ तो वैसे ही मतलब एन ए फ्रेंडली उसमें बात कर रहा हूँ कि मैं खुद मीडिया में रहता हूँ, आप मुझे पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं, मैं टीवी पे शोज़ करता हूँ, मैं एज एन एक्सपर्ट एनालिस्ट हर जगह करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं वो करते हुए भी ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि एक्चुअल हो क्या रहा है या करवाया क्या जा रहा है या बुलवाया क्या जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी मीडिया में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है मीडिया से, वो शायद पूरी नहीं होती तो आपको अफसोस होता है। एक चीज़ मुझे और लगता है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज भी मुझे लगते हैं कि आप क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, आप टीवी पे एक्सपर्ट भी आ रहे होते हैं, आप कोचिंग भी कर रहे होते हैं, तो आप क्या कह रहे हैं, कोचिंग करना चाहते हैं सर? देखिए, हर प्लेयर के लाइफ में एक प्रोसेस चलता है। अगर आप मुझे छोड़ के इस वक्त और भी दुनिया के प्लेयर्स उठा के देख लीजिए, इंग्लैंड के उठा के देख लीजिए, अभी कितने सारे इंग्लैंड के ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनकी एक आध फॉर्मेट में अगर खेल रहे हैं तो वो दूसरे फॉर्मेट में स्काई स्पोर्ट्स पे फलाना कहीं पर भी बैठ के वो उसके ऊपर एज एन एक्सपर्ट एनालिस्ट जो है तज्जिया कर रहे होते हैं, तो वो करना तो कोई भी बुरी बात नहीं है। फिर आपके सामने और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हिस्ट्री में भी नज़र आएंगे और अभी भी नज़र आएंगे जो खेलते हुए अपने करियर में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी वो एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि उनमें क्या करने की कैपेबिलिटीज़ है वाइल प्लेइंग, क्योंकि खेलते हुए आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अगर आप छोड़ने के बाद एकदम से ब्लैंक होके जाएं तो वो मेरे ख्याल में एक सेंसिबल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। आप रिटायर हो रहे हैं या अभी खेलते रहेंगे? और सर अभी 37 हूँ, तो ये कि कुछ साल तो खेलूँगा इंशाल्लाह ज़रूर, और खेलते हुए ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूँगा, क्योंकि अभी मुल्तान सुल्तान की टीम के जो कोच थे साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, क्या नाम है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो अभी बिग बैश भी ताजमेनिया की टीम से एज अ प्लेयर खेल रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि वक्त के साथ साथ आपको सेंसिबल मूव करना पड़ता है। तो जैसे दुनिया चल रही है
मैं भी उसके प्रोसेस में ही चल रहा हूँ. हमारे यहाँ भी बहुत सारी मिसाल हैं जो इस वक्त शायद 40 प्लस में हैं, बट वो डेजिग्नेशन पर भी हैं प्लस क्रिकेट भी खेल रहे हैं. तो मेरे ख्याल में जब सबके लिए एक सिनेरियो ओपन है तो फैसल इकबाल के लिए मेरे ख्याल में कोई टारगेटेड इशू नहीं होना चाहिए. बट लाइक आई सेड बिफोर के अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन विल बी गुड फॉर मी इंशाल्लाह. अच्छा, मामू के साथ भी यही मसला था, लोग कहते थे उनके पास डिग्री कोचिंग के लिए जो कोचिंग कोर्सेज हैं वो उन्होंने नहीं किए. आप भी लेवल 2 हैं तो आगे अपनी ये बढ़ाएंगे? बिल्कुल सर. देखिए, किसी भी प्लेयर के लिए अपने आप को क्वालिफाई करना सबसे पहले ज़रूरी होता है. अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लिया ना, टेस्ट क्रिकेट खेल लिया, वन डे क्रिकेट खेली और काफ़ी हद तक मकदार में खेल लिया है और काफ़ी सालों तक आप उस सारे सिनेरियो में रहें, तो मेरे ख्याल में अगर आप क्वालिफाइड कोच हो जाएँ तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि एक्चुअल सारी चीज़ जो है वो आपका एक्सपीरियंस ही काउंट होता है आपके इंटरनेशनल क्रिकेट का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का. डिग्री आपके साथ साथ लगती रहें और डिग्री आगे बढ़ती जाएँ वो एडिशनल फेदर इन द कैप है. बट आपने लेवल 2 कर लिया, इट मीन्स यू आर रेडी फॉर द सिस्टम विद योर इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस. तो मेरा यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये आज से 10 साल पहले ही करके अपने पास पॉकेट में रखा हुआ था लेवल 2, और उसके साथ साथ मीडिया के भी कुछ कोर्सेज थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साथ साथ करके रखे हैं. वो भी वक्त के साथ साथ जब आएगा तो सिनेरियो ज़रूर पता चलेगा. क्योंकि हमारे मुल्क में एग्जांपल्स हैं बहुत सारी ऐसे, ये आप हमारे यहाँ लेजेंड्स को देखें जैसे वसीम भाई, वकार भाई, और फॉर्म दूसरे क्रिकेटर्स में देख लें डीन जोन्स या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एग्जांपल है इस वक्त आपके सामने के वो टाइम टू टाइम चीज़ों के साथ चलते हैं. अगर कोचिंग सिनेरियो आ रहा है तो दे लुक फॉर कोचिंग, जब कॉमेंट्री आती है तो वो वहाँ चले जाते हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस आते हैं तो वहाँ चले जाते हैं. तो जब अगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में ये सलाहियत है, मैं एजुकेटिव क्वालिफाइड लड़का हूँ, तो वाई नॉट आई फॉलो द फुट स्टेप्स उन जैसे लोगों के जो इस वक्त एक एग्जांपल बने हुए सिस्टम के अंदर. तो इंशाल्लाह उम्मीद है, बाकी देखिए किस्मत यहाँ तक लाई है तो इंशाल्लाह आगे भी लेके जाएगी ज़रूर. बहुत शुक्रिया फैसल इकबाल की बातें आपने सुनी. ये भी कोचिंग कैरियर भी अपना बनाना चाह रहे हैं, साथ में क्रिकेट भी खेलना चाह रहे हैं. इनसे बहुत सारी बातें करना चाह रहे थे, कुछ बातें हुई भी, लेकिन ये मीडिया से काफ़ी नाराज़ थे तो उन्होंने काफ़ी सारी जो वक्त था वो मीडिया को ही शिकायत करने में गुजार दिया. खैर, फिर उनसे कभी गुफ्तगू होगी. अल्लाह हाफिज़.